कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई के लिए बनाए गए नए ट्रस्ट पीएम केयर्स पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ये ट्रस्ट चंदा जुटाने के मकसद से बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि जब सालों से सरकारी पीएम रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है तो फिर एक नए फंड की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पहले से काम कर रहा है। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी पहल करते हुए स्थापना की थी। उसके बाद से हर आपदा की स्थिति में और अन्य सामान्य समय में भी आम लोगों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इससे ही मदद की जाती है। पीएम केयर्स फंड का बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में है, जिसमें लोग सीधे पैसे जमा करा सकते हैं। ये जानकारी भी दी गई है कि इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉरपोरेट मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न इसमें दी जाने वाली राशि को कंपनियों की CSR के मद में शामिल किया जाएगा। इन जानकारियों के अलावा पीएम केयर्स धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। भारत में ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत काम करते हैं। किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए जरूरी होता है कि उसकी एक ट्रस्ट डीड बने, जिसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र हो कि वो किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, उसकी संरचना क्या होगी और वो कौन कौन से काम किस ढंग से कर पाएगा। फिर इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ कराना होता है। पीएम केयर फंड्स की ट्रस्ट डीड, बायलॉज और इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ये जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इस ट्रस्ट में दान की बरसात होने लगी। आपका इस बारे में क्या है कहना, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। साथ ही से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।